नमस्कार, मैं DPR आपका इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए, सेना कमांडरों के सम्मेलन में प्रमुख कल क्या निर्णय लिए गए हैं, उन बात पर हम यहाँ चर्चा करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 17 से लेके 21 अप्रैल 2023 को हाइब्रिड मॉडल में पहली बार आयोजित सेना कमांडरों के सम्मेलन के नवीनतम संस्करण में व्यापक रणनीतिक प्रशिक्षण, मानव संस्थान विकास और प्रशासनिक पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया और इसके लिए सेना को आकार देने में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सेना के कमांडरों और अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों में वर्तमान उभरते सुरक्षा परिदृश्यों का जायजा लिया गया और भारतीय सेना की परिचालन तैयारियों का तत्परता से समीक्षा की गई। फोरम ने परिवर्तन के वर्ष के लिए हिस्से में रूप में यहाँ पर जो जो सेना का बल है या उसकी संरचना है, अनुकूलन है, आधुनिकीकरण है, प्रौद्योगिकी है, जल सेफ है और अन्य जो प्रतिक्रियाएं हैं जैसे मानव कार्य संसाधन हैं और संयुक्तता है, एकीकरण पर प्रमुख जो डोमेन चल रहे हैं उन जो उनकी सराहना की और जो पैन इंडिया प्रमाणित प्रगति है उसकी समीक्षा की। फ्रेंड्स, यहाँ पर अग्निपथ योजना के कुशल क्रियाकलाप की प्रगति पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया कि इसमें क्या सुधार होना चाहिए और इसको कैसे बेस्ट टू बेस्ट बनाया जाए। एंड इसके बाद में शीर्ष नेतृत्व के अन्य सेवाओं और सरकारी एजेंसियों के साथ संयुक्त एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर विशिष्ट क्षेत्रों का चयन किया गया और मुख्य बिंदुओं पर बात की गई। सम्मेलन के दौरान सैनिकों और भूतपैरों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं पर और पहलुओं पर भी निर्णय लिया गया है, जैसे कि आपका नेट केंद्रित करने की ओर से तेजी से पलायन के साथ जो आधुनिकीकरण संचार प्रणालियों पर बढ़ती निर्भरता पर जोर देता है। यहाँ पर फोरम के नेटवर्क की सुरक्षा की आवश्यकता की समीक्षा की है और तत्काल भविष्य में कमांड साइबर ऑपरेशंस एंड सपोर्ट विंग्स को संचालित करने का निर्णय लिया गया। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भी बाहर से नेटवर्क भेदन का कार्य चल रहा है या हमारे जो नेटवर्क को क्षति पहुँचाने की कोशिश की रही है उसको यहाँ पर जो उसका कवच होता है उसको मजबूत करने की यहाँ पर बात की है। विशिष्ट प्रौद्योगिकियों और उपकरणों के अवशोषण द्वारा बलों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए सेना में बेहतर शोषण की सुविधा के लिए इष्टतम रोजगार दर्शन और स्केलिंग विकसित करने के लिए लीड निदेशालयों और टेस्ट बेड संरचनाओं का भी यहाँ पर जिक्र किया गया और नामित किए गए। प्रभावी और घातक लड़ाकू बल को बनाए रखने के लिए बुनियादी ढांचे, समय और संसाधनों का अनुकूलन करने के लिए प्रशिक्षण पहलों पर यहाँ पर व्यापक रूप से विचार विमर्श किया गया और अधिकारियों के प्रवेश के लिए TES प्रवेश योजना में जनवरी 2024 के मौजूद 1+3+1 वर्षीय तकनीकी प्रवेश योजना मॉडल को 3+1 TES मॉडल में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया। इस बदलाव से इकाइयों की अधिक संख्या में अधिकारियों की उपलब्धता का लाभ भी मिलेगा और अधिकारियों की कमी भी दूर होगी। इस वर्ष 791 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 435 सिमुलेटर की खरीद के माध्यम से सिमुलेटर प्रशिक्षकों को भी महत्वपूर्ण प्रोत्साहन देने की योजना बनाई है। मार्च 2023 में शुरू हुए दिल्ली कैंट के थल सेना भवन निर्माण का कार्य प्रकाश में डाला गया और 2025 में एक बार काम पूरा हो जाने के बाद यहाँ पर केवल कार्यालय के लिए जगह की कमी दूर होगी, बल्कि सभी निदेशालयों को एक छत के नीचे लाकर सेना मुख्यालय की प्रचालन और कार्यात्मक दक्षता में वृद्धि होगी। अत्याधुनिक इमारत में एक मजबूत तकनीकी उद्देश्य से उन्नत वास्तुकला से शामिल बनाई गई है और यह स्मार्ट हरित और भविष्य के लिए परियोजना तैयार की गई है। अदम्य भावना का दोहन करने और युद्ध पर शारीरिक हताहत होने वाले सैनिकों के कभी न हारने वाले रवैये के लिए पैरालंपिक इवेंट्स के लिए चरित प्रेरित सैनिकों की पहचान करने और उन्हें नौसेना आयोजनों में आर्मी स्पोर्ट्स और मिशन ओलंपिक नोट्स में प्रशिक्षण करने का निर्णय लिया गया है। सैनिकों का कल्याण नेतृत्व संगठन की स्थायी जिम्मेदारी है। उन सैनिकों के विशेष रूप से विकलांग बच्चों के कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में AZIF के माध्यम से ऐसे बच्चों के भरण पोषण के भत्ते को दोगुना करने का निर्णय लिया गया है। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे अगली वीडियो में फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।